केंद्रीय वित्त मंत्री बजट के संबंध में सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की ले रही है बैठक। देश भर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुझाव। जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखी जाए। देश भर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुझाव। राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों में बदलाव किया जाए ताकि कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करने वाले तथा बाद में परिस्थिति वश राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंच चुके राज्यों को भी न्यायोचित लाभ मिल सके। देश भर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सुझाव। पेट्रोल डीजल में केंद्रीय उत्पाद कर में की गई कटौती से राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट में ध्यान रखा जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राज्यों को केंद्रीय करों के हिस्से की राशि के प्रावधान की तुलना में वर्ष के अंत में कम राशि प्राप्त न हो। देश भर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा, कोयला उत्खनन से प्राप्त छत्तीसगढ़ के हक की राशि 4,140 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि 13,089 करोड़ रुपए शीघ्र लौटाई जाए। साथ ही नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय होने वाले 15,000 करोड़ रुपए का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए। राज्यों द्वारा अब तक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया जाए। छत्तीसगढ़ से कम 23 लाख मीट्रिक टन उसना चावल FCI द्वारा केंद्रीय पूल में लेने का लक्ष्य दिया जाए।